सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, सेमीफाइनल की ओर आगे बढ़ी। भारत ने 196 रन बनाया, गेंदबाजों ने बैटिंग पिच पर बांग्लादेश को 146 रन ही बनाने दिए। तो क्या इस मैच की पूरी हाईलाइट दोस्तों जानने के लिए बने रेडियो मंथ तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। टीम इंडिया ने शनिवार को एंटीगुआ के मैदान पर बांग्लादेश को 50 रन हरा दिया और सुपर 8 स्टेज में टीम इंडिया की दूसरी जीत है। इसके साथ ही सेमीफाइनल की ओर करीब पहुंच गई है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांधु ने टॉस जीता और गेंदबाज करने का फैसला लिया था। बैटिंग पिच पर सूर्य कुमार यादव को छोड़कर टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों ने स्कोर किया और 196 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने भारतीय पारी के आखिरी गेंद पर चौका मारकर अपनी 50 पूरी की और सबसे ज्यादा 50 रन बनाई। इसी पिच पर जब भारत ने गेंदबाजी शुरू की तो बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने रन भी नहीं बनाने दिए। कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवरों में 3 विकेट लिए और सिर्फ 19 रन खर्च किए। कप्तान नजमुल हसन सांतो ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाई। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। उनको जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। सो दोस्तों इस प्रकार भारत ने इस मुकाबले को 50 रनों से जीत लिया है और 197 रन के टारगेट के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन नहीं बना सकी। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या और गेंदबाजी में कुलदीप यादव भारत की जीत के हीरो रहे और भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही और इसी के साथ सेमीफाइनल की ओर आगे कदम बढ़ा दिया है। अब भारत अपना आखिरी सुपर 8 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी जो कि 24 तारीख को खेला जाएगा। आपके अनुसार ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।